लास्ट क्लास में बेटा हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज उससे अगला टॉपिक एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं, ठीक है। किस तरह से एसिडिक करेक्टर ये शो करता है, और इसमें बहुत सारे कंपैरिजन करेंगे, कभी अल्कोहल से, कभी फिनॉल से, या फिर आपस में ही कार्बोक्सिलिक एसिड कौन किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। तो नीचे तुम्हें दिख रहा है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, वन से जो शो कर रखा है। उसके बाद देखो चार सेपरेशन दिखाया है कि इस तरह से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा पॉसिबल है, लेकिन ये दूसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है ये इतना स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस तरह की रेजोनेंस पॉसिबल है और एक कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटोन। जैसे ये दूसरा स्ट्रक्चर बनता है ये अनस्टेबल होता है, इसमें से जैसे ये सेकंड स्ट्रक्चर बनता है ये अपने अंदर से एक एच पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देता है, और हमें जो मिलता है वो कहलाता है कार्बोक्सिलेट आयन, जिसको इन्होंने स्पीशी थर्ड से दिखाया है, ठीक है। अब उसके बाद ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि कार्बोक्सिलेट आयन इट्सेल्फ कैन शो रेजोनेंस, और उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नीचे बना रखे हैं 3, 4, 5 करके, ठीक है। थ्री एक थर्ड एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फॉर कार्बोक्सिलेट आयन, फिर एक फोर्थ है, और फिफ्थ जो है वो इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है। हमने दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के और कार्बोक्सिलेट आयन के। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो 1 और 2 हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, और कार्बोक्सिलेट आयन जो आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटोन बनता है उसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लिए। तुम्हें उन दोनों में जब कंपैरिजन करने को कहा जाए तो कौन ज़्यादा स्टेबल लग रहा है, ऑब्वियसली नीचे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलेट आयन के लिए है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन पर चार्ज डिस्पर्स हो रखा है दोनों ऑक्सीजन। ये जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है इसको ध्यान से देखो, इसमें जो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स हो गया है, लोकलाइज नहीं है कि किसी एक ऑक्सीजन पर वो मतलब किसी एक ऑक्सीजन पर हमने उसको नहीं दिखाया, वो डिस्पर्स हो गया है। लेकिन 1 और 2 स्ट्रक्चर जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, वहाँ पर चार्ज लोकेटेड है, एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव है और दूसरे पर पॉजिटिव, इवन डिफरेंट चार्ज है, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड जो बन रहा है कार्बोक्सिलेट आयन की वजह से वो हाईली स्टेबल होता है ड्यू टू डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज ओवर बोथ द ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यही सब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से यहाँ पर इस पूरे पेज पर यही समझाने की कोशिश की गई है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो रेजोनेंस होती है वहाँ पर ऑक्सीजन पर, एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव आता है और एक ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब चार्ज लोकेटेड है, चार सेपरेशन दिखा रखा है, एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव। लेकिन जो कार्बोक्सिलेट आयन है उस केस में क्या है, चार्ज सेपरेशन है, सेपरेशन नहीं है डिस्पर्सल है, मतलब नेगेटिव चार्ज जो है वो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर डिस्पर्स फॉर्म में होता है। तुम ये नहीं कह सकते कि कौन से ऑक्सीजन पर ज़्यादा चार्ज है या कम चार्ज है, जैसे यहाँ पर वहाँ पर क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एक जगह ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है और दूसरी जगह पॉजिटिव चार्ज है। तो तुम यहाँ से जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है चार्ज डिस्पर्सल की वजह से कार्बोक्सिलेट आयन में, वो हमने पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन में क्यों ज़्यादा फेवरेबल है, मतलब वो क्यों इतना ईजिली बना देता है, और यही इसकी एसिडिटी का भी कारण है, क्योंकि ईजिली एच पॉजिटिव रिलीज करके ये फटाफट से कार्बोक्सिलेट आयन बनाना चाहता है जो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो हाईली एसिडिक कह सकते हैं। अब आगे हम इसके एसिडिक करेक्टर कैसे पढ़ेंगे, किस टर्म्स में पढ़ेंगे, वो 2-3 टर्म्स तुम्हें समझाने की कोशिश की है, ठीक है। ऊपर देखो सबसे पहले तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ से समझाने की कोशिश की है। देखो फॉर्मिक एसिड और फॉर्मेट आयन का एग्जांपल यहाँ पर ले रखा है। जब एसिड की फॉर्म में है तुम्हारा फॉर्मिक एसिड तो बॉन्ड लेंथ दोनों कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड्स की अलग अलग है। जो डबल बॉन्ड है कार्बोनिल बॉन्ड उसकी 1.23 है, और जो नीचे सिंगल बॉन्ड है उसकी 1.36 एंगस्ट्रम है, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्रोटॉन की रिमूवल होगी और ये फॉर्मिक एसिड फॉर्मेट आयन बनाएगा तो दोनों की दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल हो गई हैं आफ्टर जब उन्होंने चार्ज डिस्पर्स कर दिया, मतलब एक रेजोनेंस हाइब्रिड जैसा बन जाता है। अब ना तो वो एक डबल बॉन्ड है ना वो एक सिंगल बॉन्ड है,
पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर शो करते हैं, दोनों बॉन्ड और इक्वल बॉन्ड लेंथ होती है। तो फॉर्मेट आयन कह लो इस पर्टिकुलर केस में, या फिर कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी इसी वजह से होती है क्योंकि दोनों बॉन्ड इक्वल बॉन्ड लेंथ्स के हो जाते हैं, ठीक है, हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब नीचे जो है अगला टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, के ए की टर्म्स में पढ़ेंगे या पी के ए बोलते हैं। ठीक है, के ए क्या होता है, एसिडिटी कॉन्स्टेंट, हायर द वैल्यू ऑफ के ए ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। के ए कहाँ से आया, कार्बोक्सिलिक एसिड का जब एक एक्वस मीडियम में सॉल्यूशन बनाया जाता है तो इस तरह से आयनाइज होता है, इन्होंने किस तरह दिखाया है, कार्बोक्सिलेट आयन, मैं यहाँ बात कर रही हूँ, ये जो बनाया है कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बनता है आफ्टर, जब हम क्या ले लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले लिखा है, अब नीचे दोबारा से एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है के ए, ये न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है इसको कहते हैं एसिडिटी कांस्टेंट। इसमें इसके अंदर हमने वाटर को इंक्लूड कर दिया क्योंकि वाटर एक्सेस में लिया जाता है, तो उस ऐसा मानते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और वो सेम रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो के ए आया है उसको कहते हैं एसिडिटी कांस्टेंट, जितना ज़्यादा के ए की वैल्यू उतना ही तुम्हारा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। और पी के ए होता है नेगेटिव, जैसे पी एच पढ़ा है ना, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन, वैसे ही यहाँ पर है पी के ए, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन के ए। ठीक है, तो इसमें रिवर्स हो जाएगा, जितनी स्मॉलर वैल्यू होगी पी के ए की उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, या वाइस वर्सा। ठीक है, आगे इनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स की, और ये वैल्यूज़ किस बेस पे दी हैं वो हम कंपैरिजन करके अभी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो कंपैरिजन है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल्स के बीच में। ठीक है, एल्कोहल हमने पढ़ा था एसिडिक करेक्टर शो करते हैं लेकिन वो इवन वीकर देन वाटर, ये पढ़ा था, बहुत ही वीक एसिड्स होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो अपने आप ही तुम्हें अब दिख रहा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, तो अल्कोहल से कंपैरिजन करना नहीं चाहिए लेकिन तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट आयन बना रखा है, और जब अल्कोहल एज एसिड काम करता है तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देता है, एल्कोक्साइड आयन बनता है और एच पॉजिटिव आयन। अब कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड भी रेजोनेंस शो करता है और कार्बोक्सिलेट आयन भी, और मोर स्टेबलाइज होता है ड्यू टू रेजोनेंस, दोनों ही रेजोनेंस शो करते हैं लेकिन जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अल्कोहल के केस में नाइदर केस है कोई भी, ना तो अल्कोहल इटसेल्फ शो करता है रेजोनेंस और ना ही अल्कोक्साइड आयन जो आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटोन बन रहा है वो भी कोई रेजोनेंस शो नहीं करता। ठीक है, रेजोनेंस क्या लेके आता है, स्टेबिलिटी लेके आता है, और स्टेबिलिटी रहेगी तो मतलब उस स्पीशी के बनने के चांस उतने ही ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस के थ्रू इतना ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाता है कि इसके बनने के चांस उतने ही बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में से कौन ज़्यादा एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है, अल्कोहल तो इवन वीकर देन वाटर होते हैं, ये हमने अल्कोहल के चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, आगे क्या, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड फिनोल्स। अब फिनोल से कंपैरिजन करेगा, फिनोल्स का चैप्टर तुम्हें शशि मैम ने कराया था तो वहाँ पर तुमने पढ़ा भी होगा, पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं फिनोल में। ठीक है, अब तुम कहोगे पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं फिनोल में और कार्बोक्सिलिक एसिड में तो दो या तीन ही बनेंगे, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसके ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और तुम्हारे हिसाब से फिनोक्साइड आयन ज़्यादा रेजोनेंस शो कर रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है स्ट्रक्चर 3A, जो नीचे वाले स्ट्रक्चर हैं फिनोक्साइड आयन में 3, 4, 5, उनमें देखो नेगेटिव चार्ज एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पर है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम पर इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन ऊपर थर्ड स्ट्रक्चर में देखो नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन एटम पर है, वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन्स पर है, लेकिन जब फिनोक्साइड आयन में आते हैं तो नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम पर है, इस वजह से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड बन रहा है ड्यू टू कार्बोक्सिलेट आयन वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू फिनोक्साइड आयन। ठीक है, फिनोक्साइड में पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बन रहे हैं लेकिन ये जो 3, 4, 5 स्ट्रक्चर बने ना, इनका रेजोनेंस हाइब्रिड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, इनका रेजोनेंस हाइब्रिड में बहुत कम कंट्रीब्यूशन होने की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है
एज कम्पेयर टू फिनोक्साइड आयन। इसी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मच स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन फिनोल। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला टॉपिक, इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी। मतलब अगर सब्सटीट्यूएंट कार्बन कार्बोनिल कार्बन पर जो भी सब्सटीट्यूएंट लगा हो उसका क्या इफेक्ट होगा एसिडिटी के ऊपर, हमारा अगला टॉपिक ये है। पहले समझाएगा एलिफैटिक एसिड्स में, फिर आएगा एरोमेटिक। सबसे पहले एलिफैटिक में देखो, दो ही तरह के ग्रुप हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, या तो वो कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे होंगे या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि वो जो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, उस चार्ज को डिस्पर्स कर देते हैं बाय डिस्पर्सिंग द नेगेटिव चार्ज एंड देयरफॉर इंक्रीज द एसिडिटी। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे तो क्लियर, यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा, एरो मार्क से भी समझा रखा है, नीचे जो ग्रुप लगा रखा है जी। ठीक है, वो अपनी तरफ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरह से अपनी तरफ खींचेगा, या फिर ऐसा कह लो जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है उसमें जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है उसको वो डिस्पर्स कर देगा। वहीं अगर तुम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्सटीट्यूएंट ले लेते हो तो वो एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के भी एग्जाम्पल दे रखे हैं और पिछले में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के दे रखे हैं हैलोजन्स। ठीक है, या फिर OH गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर OH यहाँ नहीं आएगा, OH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट कभी नहीं होता। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप होता है, साइनाइड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यहाँ पर आएंगे, देखो CH3 OCH3 OH NH2 ये सब। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप होंगे वो कार्बोक्सिलेट आयन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे, उस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स भी नहीं कर रहे हैं और ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा भी रहे हैं, तो ये इसको डीस्टेबलाइज कर रहे हैं। डीस्टेबलाइज कर रहे हैं इसलिए इसकी फॉर्मेशन को अफेक्ट करेंगे, इसका मतलब ये इसकी एसिडिटी को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पर्टिकुलर एग्जांपल लेके तुम्हें समझा रहा है। सबसे पहला जो एग्जांपल लिया है वो एल्काइल पार्ट का लिया है कि एल्काइल पार्ट डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के ले लिए जाएं तो क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले देखो फॉर्मिक एसिड समझा रहा है, वो उसमें तो कोई एल्काइल पार्ट है ही नहीं। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो अगर कंपेयर करें फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड को तो फॉर्मिक मच स्ट्रॉन्गर एसिड है देन एसिटिक। क्यों? एसिटिक में आ गया है एक मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप क्या होता है, मिथाइल ग्रुप का प्लस आई प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो वो कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा थ्रू प्लस आई। ठीक है, तो उसको डीस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, जैसे ही फिर चेन बढ़ती जाती है, चेन का मतलब जैसे जैसे मिथाइल से इथाइल, इथाइल से प्रोपाइल और प्रोपाइल से ब्यूटाइल जाएंगे, जैसे जैसे अल्काइल पार्ट की लेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हम मिथाइल से इथाइल या इथाइल से प्रोपाइल आएंगे तो प्रोपाइल तक आते आते उसका इंडक्टिव इफेक्ट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो उसको और भी वीक एसिड बना देता है। तो अगर कंपेयर करें डिफरेंट चेन लेंथ के हिसाब से तो फॉर्मिक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग एसिड है, उसके बाद एसिटिक, उसके बाद ये जिसमें इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, मीथेनोइक इथेनोइक इस तरह से पढ़ते हैं ना, मीथेनोइक एसिड इथेनोइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट का एग्जांपल, यहाँ पर हैलोजन से समझा रहा है। ठीक है, हैलोजन लगाएगा सबसे पहले किसके ऊपर, एसिटिक एसिड और क्लोरोएसिटिक एसिड को कंपेयर कर रहा है। ठीक है, क्लोरीन जो लगाया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट है। हैलोजन्स का क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट होता है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे कार्बोनिल कार्बन से। ठीक है, और स्टेबिलिटी को, किसकी स्टेबिलिटी को, कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे बाय डिस्पर्सिंग नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जितने ज़्यादा क्लोरीन लगाएंगे उतना ज़्यादा चार्ज डिस्पर्सल। तो नीचे जो एक सेकंड पैटर्न बना रखा है उसमें यही दिखाया है, तीन क्लोरीन, अगर तीनों हाइड्रोजन हटा दें एसिटिक एसिड के तो क्या बनेगा, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, दो हाइड्रोजन हटाएंगे तो डाई क्लोरो एसिटिक एसिड और एक ही हटाएंगे तो क्लोरो एसिटिक एसिड, इस तरह से है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ क्लोरीन एटम बढ़ता जा रहा है एसिटिक एसिड के ऊपर वैसे वैसे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। पी के ए की वैल्यू में समझा रखा है, नीचे देखो पी के ए की वैल्यू जितनी स्मॉल उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट लगाएंगे उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड बना देगा। ठीक है, थर्ड कंपेरिजन के अब इसमें हैलोजन्स को कंपेयर कर दिया है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, थर्ड जो पैटर्न बनाया है उसमें फ्लोरीन मतलब हैलोजन्स चेंज कर दिए हैं,
अब तुम्हें पता ही है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसके माइनस आई सबसे स्ट्रांग होगा, उसके बाद थोड़ा सा वीक होगा क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, और सबसे वीक होगा आयोडीन का। लेकिन स्टिल ये एसिटिक एसिड से तो स्ट्रांगर ही रहेगा ना, क्योंकि एसिटिक एसिड में तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाया है कार्बन पर, और यहाँ पर क्या लगाया है, आयोडीन लगा है। ठीक है, अब देखो उसके बाद फोर्थ पॉइंट में समझा रहा है पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट जैसे यहाँ पर इन्होंने हेलोजन ली है क्लोरीन, अब उसकी पोजीशन चेंज करेगा, पहले अल्फा कार्बन पर है, फिर बीटा कार्बन पर है, फिर गामा कार्बन पर है, और फोर्थ में उसने ब्यूटायरिक एसिड ले रखा है, एज सच उस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो वो तो वीक एसिड रहेगा ही क्योंकि उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। लेकिन उससे पहले वाले में देखो, जब अल्फा पर है तो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट होगा, फर्स्ट पोजीशन थर्ड पोजीशन तक ही शो कर पाता है इंडक्टिव इफेक्ट कोई भी एटम, ये तुम्हें पता है इंडक्टिव इफेक्ट थर्ड पोजीशन तक ही शो कर पाता है, इसीलिए गामा तक दिखाया है। ठीक है ना, अल्फा पोजीशन पर उसका सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई होगा, बीटा पर थोड़ा सा कम हो जाएगा, और गामा पर जाते जाते और कम, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन, उसमें सबसे पहला जो लिखा वो है अल्फा क्लोरोब्यूटायरिक एसिड, पी के ए की वैल्यू इसकी सबसे स्मॉल है इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। पी के ए की टर्म्स, ये वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, पैटर्न याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी पोजीशन पर जाने पर हैलोजन के कौन सा उसका एसिडिक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो पी के ए की वैल्यू याद करने पर फोकस मत करना। उसके बाद देखो, अब इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिए हैं, यहाँ पर देखो साइनाइड लिया है, इट्सेल्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी लिया है, CH3CO एसिटो ग्रुप लिया है, OH लिया है, और मिथाइल लिया है। OH देखो दो तरह से काम कर सकता है, अब क्योंकि हमारी एलिफैटिक चेन है तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ क्या शो करेगा, माइनस आई शो करेगा, लेकिन यही OH ग्रुप अगर बेंजीन रिंग पर लगा होता तो ये रेजोनेंस भी शो कर सकता है। इसका हम कंपैरिजन नीचे अभी पढ़ेंगे, जस्ट जब हम एरोमेटिक एसिड्स में डिफरेंट पैटर्न्स पढ़ेंगे एसिडिटी के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साइनाइड सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इसलिए वो सबसे फर्स्ट पोजीशन पर, यानी कि उसके केस में सबसे ज़्यादा एसिडिटी हमें देखने को मिलेगी। दूसरा, इन्हें दूसरी पोजीशन पर इन्होंने रखा है कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, तीसरी पर एसिटो ग्रुप, कार्बोनिल आ गया, कार्बोनिल ग्रुप भी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये ग्रुप भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा और कार्बोक्सिलेट आयन के नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करके एसिडिटी को बढ़ाता है। ठीक है, सबसे पीछे इन्होंने रखा है मिथाइल, क्योंकि मिथाइल जो ग्रुप है वो हाइपर कंजुगेशन कह लो या फिर उसका वीक माइनस आई होता है। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप है वो सबसे वीक एसिड है, और साइनाइड, ये साइनो ग्रुप वाला जो एसिड है तुम्हारा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिफ्थ पैटर्न जो मैंने सर्कल कर रखा है। ठीक है, अब आ जाते हैं एरोमेटिक एसिड्स के ऊपर। यहाँ पर एरोमेटिक एसिड्स में देखो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, सिंपल पहले एक स्ट्रक्चर बना रखा है तुम्हारा बेंजीन रिंग के ऊपर, COH ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर ये नीचे एक जो लाइन लिखी है मैंने उसको अंडरलाइन कर रखा है, द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। जो फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है कार्बोक्सिलेट ग्रुप के साथ, वो इट्सेल्फ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है रिंग के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो जो कार्बोनिल कार्बन है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है, इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। अब तुम कहोगे रिंग तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ भी तो लेती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है ना कि सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा हुआ है। अब जो यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन जो लगा हुआ है उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो फिनाइल जो ग्रुप, फिनाइल रिंग कह लो या फिनाइल ग्रुप कह लो, वो एज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम करेगा, यानी कि प्लस आर दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही बात आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकते हैं। ऊपर देखो नाइट्रो ग्रुप लगा रखा है, नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा थ्रू रिंग, तो कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज करेगा और इस तरह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर तुम्हें लगा कर दिखा रखा है, एक पैरा बना रखा है, एक मेटा बना रखा है। कंपेरिजन क्यों कर रहा है, क्योंकि जब जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पर ऑपरेट होता है, मेटा पर ऑपरेट नहीं होता, तो जब नाइट्रो ग्रुप
मेटा पोजीशन पर होगा तो उस टाइम वो कोई रेजोनेंस शो नहीं कर पाएगा, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन तब भी वो खींच रहा है क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब माइनस आई इफेक्ट तो वो शो करेगा मेटा पोजीशन पर जब होगा, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं होगा क्योंकि इंडक्टिव और रेजोनेंस में से रेजोनेंस स्ट्रांग एक वो कह लो तुम फैक्टर है। रेजोनेंस अपनी तरफ ज़्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन खींचता है एज कम्पेयर टू माइनस आई या जो भी दूसरा कोई फैक्टर पढ़ते हो, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में रेजोनेंस ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो पैरा के केस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाहर अपनी तरफ खींचेगा नाइट्रो ग्रुप और एज कम्पेयर टू मेटा पोजिशन, क्योंकि मेटा के केस में कोई रेजोनेंस हम शो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो मेटा नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड या कह लो बेंजोइक एसिड होगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, वो बेंजोइक एसिड से तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा क्योंकि स्टिल मेटा पोजीशन पर वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन पैरा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पैरा पोजीशन के केस में हमें रेजोनेंस भी देखने को मिलती है। अब इसका जस्ट उल्टा काम होगा किस में? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, अब ये यहाँ पर ऑर्थो की बात क्यों नहीं कर रहा, वो हम पढ़ेंगे अगले पेज पर जब हम पढ़ेंगे ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मेटा और पैरा पोजीशंस की ही बात कर रहा है, ऑर्थो इफेक्ट जब आएगा हम तब पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मेटा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, अब थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हें बताया था हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहाँ एलिफेटिक एसिड्स में, तो जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करेगा क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और माइनस आई दिखाएगा। लेकिन जैसे ही ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर आता है तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बन जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है टू द रिंग, वही यहाँ पर दिखा रखा है। एक बार ले रहा है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और एक बार ले रहा है मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब दोनों में फिर से कंपैरिजन, जब पैरा पोजीशन पर है रेजोनेंस शो कर सकता है तो रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा है। जैसे ही रिंग को इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कार्बोक्सिलेट आयन को भी पास ऑन करेगी और कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दें अगर कार्बोनिल कार्बन पर तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर पैरा पोजीशन पर है तो वो डिस्टेबलाइज कर रहा है आयन को और उसकी एसिडिटी को कम कर रहा है। लेकिन जैसे ही मेटा पर आया तो वो कोई रेजोनेंस शो नहीं कर सकता। अब यहाँ पर देखो क्लियरली लिखा हुआ है नो रेजोनेंस इफेक्ट ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। जब मेटा पर आया हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड। क्यों? क्योंकि मेटा पोजीशन पर OH ग्रुप कोई रेजोनेंस शो नहीं कर पाया, ना कोई प्लस आर शो कर पाया, तो उसने कौन सा इफेक्ट यहाँ पर शो किया है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो इस वजह से ये ज़्यादा एसिडिक, इसकी यहाँ पर एसिडिटी इंक्रीज कर देता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजोइक एसिड की, ठीक है। अब ये सब हमने पढ़ा, अब यहाँ पर कंपैरिजन फिर से जैसे वहाँ पर पढ़े थे पैटर्न वैसा ही कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे। मेटा ऑर्थो मेटा पैरा तीनों को कंपेयर करेंगे विद बेंजोइक एसिड और डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगाकर चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो ऑर्थो इफेक्ट जो मैं बात करी थी वो समझा रखा है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर मच स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन मेटा एंड पैरा वेदर द सब्स्टिट्यूएंट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इररिस्पेक्टिव ऑफ कि तुम्हारा ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पर बेंजोइक एसिड के केस में वो उसकी एसिडिटी को बढ़ा ही रहा है, चाहे वो इस रिंग को इलेक्ट्रॉन दे पा रहा हो या ना दे पा रहा हो। इसका रीज़न होते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टीयरिक फैक्टर का कंबाइंड इफेक्ट। ये कंबाइंड इफेक्ट का मतलब ये होता है जैसे यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलेट जो ग्रुप होता है वो बड़ा होता है साइज में और नाइट्रो ग्रुप भी काफ़ी बड़ा होता है, तो जब ये आपस में इतने पास पास प्रेजेंट हैं तो ये बेंजीन रिंग की प्लेनैरिटी से बाहर आ जाते हैं। इसका मतलब ये यहाँ पर रेजोनेंस नाम की जो चीज़ शो कर रहे थे पैरा पोजीशन पर या मेटा पर शो नहीं कर सकते रेजोनेंस, तो पैरा पोजीशन पर जो ये नाइट्रो ग्रुप रेजोनेंस शो कर पाता है वो ऑर्थो पर नहीं कर पाता, ठीक है। तो ऑर्थो पोजीशन पर चाहे सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो यह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कोई भी हो, ये डिपेंड ही नहीं करता कि कौन सा ग्रुप है, हमेशा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि वो अपना रेजोनेंस इफेक्ट शो ही नहीं कर पा रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला जो एग्जांपल इन्होंने लिया है वो लगा है नाइट्रो ग्रुप, ऑर्थो, पैरा, मेटा और फिर सिंपल बेंजोइक एसिड। तो इन्होंने पैटर्न भी ड्रॉ करके दिखा रखा है। सबसे ज़्यादा हमेशा अब तुम्हें ऑर्थो एसिड्स रखने हैं, अब चाहे फंक्शनल ग्रुप तुम जो भी लगा रखा हो, ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो भी हो, तुम्हें ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड को सबसे पहले नंबर पर रख देना है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद पैरा और मेटा में अभी अभी पढ़ा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर रेजोनेंस शो कर पाएगा लेकिन मेटा पर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव शो कर पाएगा इफेक्ट। इस वजह से पैरा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, मेटा थोड़ा सा कम और सबसे कम बेंजोइक एसिड, क्योंकि मेटा जो नाइट्रो बेंजोइक एसिड है वो एटलीस्ट माइनस आई इफेक्ट की वजह से तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, फिर पैरा, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्थो नाइट्रो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ग्रुप लगाया है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, फिर वही ऑर्थो सबसे पहले पॉइंट पर रखना है तुम्हें, जिसका नाम भी इन्होंने अलग से लिखा है, सैलिसिलिक एसिड होता है इसका पर्टिकुलर नेम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेटा। मेटा क्यों आया भाई, क्योंकि मेटा के केस में रेजोनेंस शो नहीं कर पाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और माइनस आई इफेक्ट शो कर पाएगा। जैसे ही माइनस आई शो कर पाएगा तो ये कार्बोक्सिलेट आयन से चार्ज को डिस्पर्स कर सकता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, इसका मतलब उसकी एसिडिटी बढ़ाएगा, ठीक है। पैरा के केस में तो क्या होगा, रेजोनेंस शो करके उल्टा कार्बोक्सिलेट आयन पर नेगेटिव चार्ज को इंटेंसीफाई कर रहा है, इसलिए सबसे जो वीक एसिड है वो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, ठीक है। और बेंजोइक एसिड, सिंपल बेंजोइक एसिड जिस पर कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, वो अब बीच में आ गया है किस किस के, मेटा और पैरा के, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पर यहाँ ये ले रहा है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। मिथाइल ग्रुप में देखो टॉलिक एसिड कह रहा है, ऑर्थोटॉलिक एसिड पैरा एंड मेटा आर कंपेयर्ड विद बेंजोइक एसिड। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ऑर्थोटॉलिक एसिड, ठीक है। अब क्योंकि मिथाइल जो ग्रुप होता है वो हाइपर कंजुगेशन की वजह से क्या दिखाता है, एक तरह से मान लो इसका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई या माइनस आई, अपनी तरफ तो इलेक्ट्रॉन खींचने से रहा तो इसका होता है प्लस आई, रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है। जैसे ही रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा वो कार्बोनिल कार्बन या फिर कह लो कार्बोक्सिलेट आयन की तरफ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स नहीं हुआ उल्टा क्या हो गया, इंटेंसीफाई हो गया। इस वजह से मेटा और जो पैरा है वो बेंजोइक एसिड से भी कम स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब वीक हो गए हैं एज कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड, ठीक है। मेटा पर मेटा तक जाते जाते प्लस आई इफेक्ट उसका फिर भी दिख रहा है, प्लस ये क्या बोलेंगे पैरा तक जाते जाते और वीक हो जाएगा, तो पैरा सबसे वीक एसिड, ठीक है। पैरा पोजीशन पर उसका इंडक्टिव इफेक्ट और भी हमें अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ हैलोजन्स। यहाँ पर हैलोजन्स को बिल्कुल अलग से तुम्हें समझाया है, क्यों, क्योंकि हैलोजन्स का होता है दो इफेक्ट शो कर सकता है, ये माइनस आई एंड प्लस आर। अब जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप में भी तो ऐसा ही था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेन बात क्या है कि वहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप में तो हमने ये कह दिया कि रेजोनेंस जब वो शो कर सकता है ऑर्थो और पैरा पर तो वो करेगा, लेकिन हैलोजन्स में इसका जस्ट रिवर्स होता है। हैलोजन्स का इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। हैलोजन्स का जो इंडक्टिव इफेक्ट क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो क्लोरीन है या हेलोजन है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है विद रिंग कार्बन, जो रिंग का कार्बन है उसके साथ अच्छे से बॉन्ड क्यों बना सकता है, क्योंकि जैसे हेलोजन में तुम अगर क्लोरीन ही लेके चलो, क्लोरीन की अगर पर्टिकुलर बात करें तो क्लोरीन में 2p ऑर्बिटल होता है, ठीक है, और कार्बन में भी 2p ऑर्बिटल होता है। तो जैसे ही हेलोजन सॉरी क्लोरीन में 3p ऑर्बिटल होता है, तो जैसे ही कार्बन और हेलोजन रेजोनेंस के थ्रू जैसे ही हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो वो जो बॉन्ड डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है कार्बन और हैलोजन के बीच में वो शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है वो सेम ऑर्बिटल्स के बीच में ज़्यादा है, ना कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बीच में, ठीक है। तो जैसे हैलोजन्स में हम पढ़े क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही पढ़ते हैं, ठीक है, मेन फीचर। फ्लोरीन को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, लेकिन अभी अगर हैलोजन की बात करें तो क्लोरीन को देखो, जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है, तो हैलोजन जो है उनका स्ट्रॉन्ग आई होता है और वीक आर, मतलब एक तरह से कह लो रेजोनेंस इफेक्ट उनका क्यों इतना अच्छे से शो नहीं हो पा रहा है, उसका रीज़न ये होता है
क्योंकि वो एक अच्छा डबल बॉन्ड करेक्टर जो आ जाता है रेजोनेंस की वजह से कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड में, वो नहीं बना पा रहा है, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर साइज ऑफ पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना भाई। अब यहाँ पर देखो ऑर्थो इफेक्ट की, ऑर्थो पोजीशन पर तो कोई इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, तो ऑर्थो एसिड, ऑर्थो क्लोरो बेंजोइक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद देखो मेटा पर जो हेलोजन लगा है वो उसने दूसरे नंबर पर रखा है, क्यों? क्योंकि मेटा पर ओनली माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट्स, ये लिखा है इसने, तो माइनस आई इफेक्ट जो है हेलोजन का ऑपरेट तो वही करेगा तीनों में, ऑर्थो मेटा पैरा में, लेकिन मेटा पोजीशन में पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग में डाले, ठीक है, तो उसका माइनस आई इफेक्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो वीक नहीं पड़ा है। लेकिन जैसे ही हम पैरा पोजीशन पर जाते हैं, क्योंकि उसका रेजोनेंस इफेक्ट भी होता है, तो जो रेजोनेंस है वो इंडक्टिव को अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है तो मतलब उसके माइनस आई इफेक्ट को वीक किए जा रहा है, ठीक है, यही हुआ ना इसका मतलब, ठीक है। तो हेलोजन के केस में देखो प्लस आर एंड माइनस आई होता है, और हमने पढ़ा ऊपर ही कि माइनस आई जो इफेक्ट है हेलोजन्स का वो हमें देखना है, ठीक है, सबसे ऊपर हेडिंग दे रखा है इन्होंने, तो माइनस आई हमें देखना है, लेकिन पैरा के केस में वो उस माइनस आई इफेक्ट को वीक कर रहा है, कौन? प्लस आर इफेक्ट ऑफ हेलोजन एटम, ठीक है, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत तो शो होगा ही माइनस आई इफेक्ट, इसलिए बेंजोइक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है पैरा, क्लोरो, बेंजोइक एसिड, फिर मेटा एंड देन ऑर्थो। तुम इसको एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे जैसे पोजीशन दूर होती जाती है हेलोजन एटम की कार्बोक्सिलेट आयन से, तो माइनस आई इफेक्ट भी तो वीक होता जाता है, ठीक है, तो पोजीशन से भी तुम समझ सकते हो, सबसे पहले ऑर्थो, फिर मेटा एंड देन पैरा, ठीक है। यहाँ पर जैसे अगले एग्जांपल में भी वही समझा है, ग्रुप्स हैविंग ओनली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पर देखो मिथाइल का एग्जांपल ले रखा है, मिथाइल के केस में क्या होता है, उनका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ऑर्थो वाला एग्जांपल हमने पहले पढ़ लिया था, यहाँ पर देखो यहाँ समझा भी रखा है, ठीक है, वही सेम एक तरह से ये समझ लो कि रिपीट कर रखा है, यहाँ पर जो हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा है वही यहाँ पर डी पॉइंट में फिर से समझा रहा है कि डिस्टेंस तक जाते जाते क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट वीक होता जाता है, इसलिए मेटा आगे आया है एज़ कम्पेयर टू पैरा, और क्योंकि ऑर्थो, तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बनना है, तो सबसे पहले पोजीशन किसकी आएगी, ऑर्थो टोलुइक एसिड, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा एसिडिटी का करेक्टर मतलब एसिडिक बिहेवियर ऑफ डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक ख़त्म हो जाता है, ठीक है, हम नेक्स्ट करेंगे अगली पीडीएफ में।